अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अमर चंद्र। आप देख रहे हैं कंप्यूटर कंप्यूटर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि दुनिया में ऐसे खतरनाक वायरसेस गुजर चुके हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पीसीस को अटैक किया था और बहुत ज़्यादा पीसीस पे अफेक्ट किया था और उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान के बायस भी बने थे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोड रेड। तो ये वायरस कुछ इस तरीके से था, इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से हुआ करता था। इसमें जो है आपको सामने अगर आप देखते थे तो यहाँ पे लिखा होता था हैक बाय चाइनीज़। अब इस वायरस का दरअसल होता ये था, ये वायरस जो है 2001 के एंड में आया था और इस वायरस में जो है आपको कुछ चीज़ डाउनलोड नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ ये जो है अगर आपके कोई लिंक होती थी, अगर आप उस पर क्लिक कर लेते थे तो आपके ये इंटरनेट से अगर आप कनेक्ट रहते जब तक वब तक आपकी जो भी आप सर्च करते थे, जिस वेबसाइट पे आप क्लिक करते थे उस वेबसाइट पे सिर्फ ये लिखा हुआ था हैक्ड बाय चाइनीज। जैसे कि आप कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस जो है वायरस ने 400,000 वेब सर्वर डाउन कर लिए सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वायरस उस टाइम का माना गया था। और इसने साथ साथ व्हाइट हाउस को भी अफेक्ट कर लिया था। जी हाँ, इसने साथ 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 व्हाइट हाउस को भी अफेक्ट किया और इसकी वजह से 260 करोड़ का लॉस हुआ था, जिसमें 10,00,000 पीसीज जो है इन्फेक्ट हुए थे। मैलिसा। ये वायरस जो है 1999 के अंदर देखने में आया था। उसके अंदर ये जो है ईमेल के थ्रू इन्फेक्ट करता था। जी हाँ, ईमेल के थ्रू कंप्यूटर में इन्फेक्ट करता था। और कैसा होता था, आपके किसी दोस्त का आपको मैसेज आता था जिसमें आपको लिखा होता था हेयर इज अ डॉक्यूमेंट यू आस्क फॉर, डोंट शो एनीवन एल्स। तो यहाँ पर नीचे लिस्ट डॉट डॉट करके फाइल अटैच्ड होती थी, जिसको आप क्लिक करते तो आपके बहुत सारे पॉपअप ऐड हो ओपन हो जाते थे, जिसमें आपको जो एडल्ट साइट फॉरवर्ड करा दिया जाता था। उसमें होता यह था कि आपको जो है आपके यही जो मैसेज जो है आपके 50 कॉन्टैक्ट्स को सेंड कर दिया जाता था, जिसकी वजह से उसको बिल्कुल भरोसा होता था कि मेरे दोस्त ने मुझे भेजा है और कोई डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है जो मैं किसी को ना दिखाऊँ, मेरे लिए यही बनाया था इसने। तो वो उसको ओपन करता है तो वो भी इस साइट में फॉरवर्ड हो जाता है। इससे किसी बंदे को ज़्यादा बड़ा नुकसान तो नहीं है, लेकिन ईमेल कंपनीज को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, जिसमें $8 करोड़ जो है उनको लॉस हो चुका था। और साथ साथ जो है जब इसके जो प्रोग्रामर थे जिनका नाम था डेविड एल स्मिथ, वो उनको जब वो पकड़े गए थे उनको 20 मंथ्स की जेल हुई थी और 5,000 फाइन भी हुआ था। और उसके बाद जो है $120 करोड़ का जो है नुकसान भी हुआ था। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए और साथ साथ शेयर कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट टू भी बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ ताकि मैं इसका पार्ट टू भी बना दूँ। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सो अल्लाह हाफिज़।